आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन टेलीविजन एक्टर, प्रोड्यूसर और डायलॉग कोच विकास कुमार के सभी टेलीविजन सीरियल्स और उनके फिल्मों के बारे में, जिन्हें स्पेशली जाना जाता है सीआईडी टीवी सीरियल में सीनियर इंस्पेक्टर रजत और आर्या टेलीविजन वेब सीरीज में एसीपी खान के रूप में। तो अगर आप भी विकास कुमार के सभी टेलीविजन सीरियल और उनके फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, विकास कुमार का जन्म 18 मई 1977 को बिहार के गया में हुआ था। इनके पिता एक डॉक्टर थे और अगर हम उनके एजुकेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई बेलहम बॉयज स्कूल देहरादून से की है। इसके बाद उन्होंने एमबीए की डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा उन्होंने थिएटर डायरेक्टर बैरी जॉन के यहाँ 3 महीने का एक्टिंग वर्कशॉप भी किया है। इसके अलावा अगर हम उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इनकी शादी हुई राबी सहगल से और शादी से इन्हें एक बेटी है जिसका नाम रवानी है। अब हम विकास कुमार के सभी फिल्मों के बारे में बात कर लेते हैं। तो विकास कुमार ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 2006 में सानू टैक्सी शॉर्ट फिल्म के साथ शुरू की थी, जिसमें उन्होंने सानू का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2012 में ये नजर आए थे हैंडओवर में, जिसमें उन्होंने रतन दास का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2015 में नजर आए थे प्रीतिपाल सिंह अ स्टोरी में, जिसमें उन्होंने प्रीतिपाल सिंह का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2016 में ये नजर आए थे एबीएस एनटी शॉर्ट फिल्म में, जिसमें उन्होंने इकबाल का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2017 में नजर आए थे अज्जी में। इसके बाद 2018 में नजर आए थे हामिद में, जिसमें उन्होंने अभय का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2018 में नजर आए थे परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण में, जिसमें उन्होंने मेजर प्रेम का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2021 में नजर आए थे धमाका में, जिसमें उन्होंने प्रवीण कामत का रोल प्ले किया था। अब हम विकास कुमार के सभी टेलीविजन सीरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। विकास कुमार ने अपने टेलीविजन कैरियर की शुरुआत 2010 में पाउडर टीवी शो के साथ शुरू की थी। इसके बाद 2011 में नजर आए थे खोटे सिक्के में, जिसमें उन्होंने सीनियर इंस्पेक्टर दामोदर देशमुख का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2011 में ही नजर आए थे अदालत टीवी सीरियल में, जिसमें उन्होंने सीनियर इंस्पेक्टर दामोदर देशमुख का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2012 से 2013 तक ये नजर आए थे सीआईडी टीवी सीरियल में, जिसमें उन्होंने सीनियर इंस्पेक्टर रजत का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2019 में नजर आए थे कोर्ट रूम सच्चाई हाजिर हो में, जिसको उन्होंने होस्ट किया था। इसके बाद 2020 में नजर आए थे आर्या वेब सीरीज में, जिसमें उन्होंने एसीपी खान का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2022 में नजर आए थे दिल्ली खबर में, जिसमें उन्होंने डैनी सिंह का रोल प्ले किया था। इसके अलावा विकास कुमार ने एक हॉलीवुड फिल्म और 14 से भी ज्यादा इंडियन फिल्मों में डायलॉग कोच का काम किया है। तो विकास कुमार की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर के जरूर बताना। अगर आप सीआईडी के और भी स्टार कास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट वीडियो पर क्लिक करें।